नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। शॉर्टहैंड एंड स्टेनोग्राफी के अंदर आज मैं आपके लेके आऊं चैप्टर 5, जिसमें मैं आपको बताऊंगा थर्ड प्लेस के वोवल, सेकंड प्लेस के वोवल के अंदर जिस कंसोनेंट के अंदर सेकंड प्लेस के वोवल के साउंड आती थी वो कौन से हमारे ऑन द लाइन बनते थे, और जो हमारे जिसके अंदर हमारे फर्स्ट प्लेस के वोवल के साउंड आती थी वो हमारे कंसोनेंट अबव द लाइन बनते थे। एंड कंसोनेंट के अंदर हमने 22 कंसोनेंट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करूंगा थर्ड प्लेस के वोवल। और जो हमारे थर्ड प्लेस की वोवल आएगी, वोवल के साउंड आएगी, थर्ड प्लेस की वोवल के साउंड इसमें आएगी, वो कंसोनेंट हमारे थ्रू द लाइन बनेंगे, मतलब लाइन से कट कर। इसके भी दो रूल्स हैं। पहला रूल तो यही हो गया हमारा कि जो जिसके अंदर थर्ड प्लेस की वोवल के साउंड आएगी वो थ्रू द लाइन बनेंगे, और दूसरा रूल ये है कि जिसके अंदर थर्ड प्लेस की वोवल के साउंड आ रही है, जैसे थर्ड प्लेस की वोवल के साउंड आ रही है और उसके अंदर दो कंसोनेंट आ रहे हैं, जैसे हमारा आगे ये दो कंसोनेंट आ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा थर्ड प्लेस कहां पर होगा? फर्स्ट कंसोनेंट का, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। तो यहीं स्टार्ट होता है हमारा सेकंड कंसोनेंट का, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो यहां पे वोवल नहीं लगेगा क्योंकि इस कंसोनेंट का थर्ड प्लेस होगा और सेकंड कंसोनेंट का फर्स्ट प्लेस होगा, तो इससे पढ़ने में कंफ्यूजन होगी कि ये फर्स्ट कंसोनेंट का थर्ड प्लेस का या फर्स्ट कंसोनेंट का थर्ड प्लेस का वोवल लगा हुआ है या सेकंड कंसोनेंट का फर्स्ट प्लेस का वोवल लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में हमारा जो वोवल है वो सेकंड कंसोनेंट से पहले लगेगा, ये हमारी कंडीशन है कि जिसके अंदर दो कंसोनेंट आ रहे होंगे और उसके अंदर थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, तो वोवल जो सेकंड कंसोनेंट से पहले लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वोवल्स के पार्ट। थर्ड प्लेस का वोवल करते हैं। पहला हमारा थर्ड प्लेस का वोवल आता है डार्क डॉट का, डार्क डॉट का आता है जो हमारी ई की साउंड रिप्रेजेंट करता है, बड़ी ई की साउंड, लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है, ये थर्ड प्लेस पे लगता है। तो इसके एग्जांपल से आते हैं। पहला एग्जांपल आता है ईट। पहले आपको वोवल की ध्यान रखना है कि वोवल पहले लग रहा है बाद में लग रहा है, पहले हमारे वोवल की साउंड आ रही है इसके अंदर। ये कंसोनेंट बना हुआ है, ये कंसोनेंट की लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है और ये लेफ्ट हैंड साइड होती है। अब वोवल कंसोनेंट से पहले आ रहा है तो हमारा वोवल लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, और कंसोनेंट के बाद हमारा वोवल आ रहा है तो राइट हैंड साइड हमारा वोवल लगेगा। तो ईट के अंदर हमारे पहले वोवल आ रहा है ई, फिर टी कंसोनेंट की साउंड आ रही है, तो मैंने बताया जो कंसोनेंट है थ्रू द लाइन बनेगा, सिंगल कंसोनेंट आ रहा है, तो पहले टी कंसोनेंट, टी हमारा राइट है, फिर ई का थर्ड प्लेस का वोवल डार्क डॉट का, ई की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करने वाला। और नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है टी, टी आ गया, तो टी के अंदर हमारे टी के बाद हमारे वोवल की साउंड आएगी टी ई टी, तो वोवल का रहेगा राइट हैंड साइड, तो टी कंसोनेंट लाइट, टी के बाद थर्ड प्लेस का वोवल, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड प्लेस ही आ गया, तो थर्ड प्लेस का ई का वोवल टी डार्क डॉट से। नेक्स्ट एग्जांपल आ गया ईच, ईच में हमारे चे कंसोनेंट के साउंड आ रही है, तो चे से पहले ई की वोवल की साउंड आ रही है ई, फिर चे, ईच, ई की लंबी साउंड, चे कंसोनेंट, चे से पहले ईच। तो अब डबल कंसोनेंट की बात करें तो डबल कंसोनेंट का एग्जांपल आता है फीड, तो फीड हमारा एग्जांपल है, तो इसके अंदर एफ कंसोनेंट की साउंड आ रही है एफ, फिर डी कंसोनेंट की साउंड आ रही है, फिर वोवल की साउंड ई की आ रही है, तो एफ कंसोनेंट हमारा क्या होगा, लाइन से कट जाएगा क्योंकि थर्ड प्लेस वोवल की साउंड है फी एफ डी, एफ के बाद और डी से पहले थर्ड प्लेस वोवल की साउंड आ रही है तो वोवल यहां रहेगा फीड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है डीप, डीप में हमारा सेकंड कंसोनेंट से पहले लगेगा, मैंने कंडीशन बताई थी, तो डीप एग्जांपल है तो डी कंसोनेंट डी लाइन से कट के फिर पी, डी से बाद पी से पहले हमारा ई का वोवल, टी ई प डीप कीप। के कंसोनेंट, जो के हमारा जो है ओरिजिन तक स्टोर होता है, तो के तो हमारा लाइन से कट नहीं सकता, तो के हमारा यहां पे बनेगा लाइन, फिर पी बन जाएगा, इससे पता चलेगा हमारा थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है क्योंकि पी हमारा कंसोनेंट कट चुका है, तो के बाद पी से पहले ई का वोवल, कीप लीव एल ई ए वी ई लीव, तो एल कंसोनेंट है
एल वी, एल का फर्स्ट स्पेस ये, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, वोवल पे आना ही रहेगा, तो एल के बाद वी से पहले लीव, ठीक है। और नेक्स्ट वोवल आता हमारा, नेक्स्ट वोवल आता है लाइट डॉट का वोवल, बी वोवल आता है लाइट डॉट, जो हमारा लाइट रिप्रेजेंट किया जाता है लाइट डॉट से, ये हल्की आई की साउंड देता है, आई की छोटी साउंड देता है। एग्जांपल आ जाता हमारा इफ, आई की छोटी साउंड, फिर एफ कॉन्सोनेंट, तो एफ कॉन्सोनेंट एफ से पहले हमारी आई की छोटी साउंड है, तो एफ हमारा लाइन से कट जाएगा, विद थर्ड प्लेस का वोवल है, लाइन से कट के बनता है इफ आई की हल्की साउंड, ये तुम्हारा लाइट बनेगा, लाइट वोवल है। तो नेक्स्ट नाम आता है बिट, बिट बी फिर आई की छोटा हल्की आई के साउंड आएगी, बी कैसा कॉन्सोनेंट है, डार्क कॉन्सोनेंट है, बी हमारा लाइन से कट जाएगा, फिर टी बनेगा, बी के बाद टी से पहले लाइट आई का बोल, बिट पिक, पी कॉन्सोनेंट, पी लाइन से कट के फिर के, पी के बाद के से पहले हल्की आई की, पिक शिप, शा लाइन से कट के इश, फिर पी, एस के बाद पी से पहले आई का लाइट डॉट होगा, शिप, किड, के कॉन्सोनेंट, फिर डी, के बाद डी से पहले कॉन्सोनेंट। तो हमारे आई का वोवल कंप्लीट होता है। सिर्फ और भी एग्जांपल्स है पिटमैन शॉर्टहैंड बुक में, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा थर्ड वोवल आता है डैश का वोवल, दो डॉट के वोवल हो चुके हैं, तो आता है डैश के बारे में, तो हमारा डैश का वोवल आता है थर्ड वोवल, थर्ड प्लेस का थर्ड वोवल आता है, लॉन्ग वोवल होता है, डार्क से रिप्रेजेंट है डार्क, डैश से, तो जो ये हमारी है बड़े ऊ की साउंड रिप्रेजेंट करता है, डार्क डैश से रिप्रेजेंट है ऊ की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है। इससे एग्जांपल से आया था हमारे चू, इस कॉन्सोनेंट हमारा लाइन से कट जाएगा, इसके बाद ऊ बड़ी ऊ की साउंड दे रहा है, तो डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा शू, डार्क डैश से लंबी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। फूड एफ लाइन से कट के फिर डी, एफ के बाद डी से पहले फूड, आपको ध्यान देना साउंड पर कि कौन सा वर्ड कौन सा साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वोवल, इसके अंदर एफ की साउंड आ रही है, फिर ऊ की लंबी साउंड आ रही है, फिर डी कॉन्सोनेंट आ रहा है। फूड मूव, एम कॉन्सोनेंट कर कॉन्सोनेंट है, तो एम हमारा अबव द लाइन, फिर वी लाइन से कट जाएगा, एम के बाद वी से पहले ऊ का साउंड, मूव, यूथ, यूथ आ गया इसके अंदर, वे कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, यू थ, यू ये के बाद टी से पहले ऊ की लंबी साउंड, यूथ, टूल, टूल इसके अंदर आ गया, तो टूल आ गया, टी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, और फिर है टी का फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, वोवल सेकंड कॉन्सोनेंट से पहले है यहाँ पे ऊ का, टूल। अब नेक्स्ट वोवल आता है, लास्ट वोवल आता है डी पार्ट, लास्ट वोवल आता है ऊ का, ये भी ऊ का वोवल है, ये लाइट डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइट डैश, जो ये छोटे ऊ की साउंड रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऊ की साउंड आती है बहुत छोटी आती है, जैसे हमारे यहाँ बुक हल्की छोटी साउंड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आता है बुक, बी कॉन्सोनेंट आया, बी लेंथ कर दिया, फिर के, बी के बाद ऊ, बुक एकदम से छोटे साउंड रिप्रेजेंट भी, तो लाइट डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बुक, बुक, टुक, टी कॉन्सोनेंट लाइट, फिर के, टुक, टी के बाद कैसे पहले टुक, वुड,
दी कॉन्सोनेंट, फिर डी ये लाइन से कटा हुआ, वी के बाद डी से पहले वुड, पुल पी कॉन्सोनेंट, पी से बाद एल से पहले पुल, ये लाइट डैश से। अगर आपको साउंड का पता ना चले तो आप सारे एग्जांपल्स लेंगे डैश वाले भी डॉट वाले भी, उनको बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको साउंड का पता चल जाएगा। तो एक नोट आता है इसके अंदर, एक नोट, नोट ये है कि द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। अगर लास्ट में हमारी वे के साउंड हल्के साउंड रिप्रेजेंट हो रही होगी वाई के साउंड, तो हमारी लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। इसे एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे, दे बी, तो बी की साउंड आ रही है पहले बी, फिर ए अबोवल, फिर बी, फिर वाई की साउंड आ रही है, तो बे सेकंड प्लेस का अबोवल है, तो लाइन में बे बी, बी का फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो फिर बी का भी फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो बे बी के बाद ए का डॉट डॉटर डॉट डॉट का अबोवल बे और लाइन डॉट का यहाँ पे वाई रिप्रेजेंट करेगा बे बी। लकी एल कौन सुन रहा है, ल सेकंड प्लेस का बोल है ल की, सेकंड प्लेस का अ का बोल ल हल्की छोटी साउंड में बदल कर रहा है अ ल की के बाद लकी। मनी, मनी साउंड का आपको ध्यान रखना है, साउंड को देख के आपको शॉर्टहैंड करनी है। मनी एम कॉन्सोनेंट, मनी एम के बाद, एम के बाद अ मा नी मनी, तो मनी में अ की साउंड फिर एन के बाद वाई की साउंड आ रही है मनी। नेक्स्ट नाम लगाता है कॉपी, कॉपी में के कॉन्सोनेंट, के कॉन्सोनेंट में ओ की छोटी साउंड को पी, को फर्स्ट प्लेस का वर्ब पी के बाद वाई की साउंड कॉपी। लेडी, लेडी एल कॉन्सोनेंट में ए की साउंड ले, ले डी, तो एल फिर डी, ए का वोवल फिर डी के बाद वाई के साउंड लेडी। मंथली, मंथली एम कॉन्सोनेंट म, म में अ की साउंड आ रही है तो सेकंड प्लेस का बोल रहा है, तो हमारा ये कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन बनेगा, तो एम तो हमारा अबव द लाइन बन जाएगा म थ मन थ ली, मन एम के साउंड आ रही है, एन के साउंड आ रही है, टी है थ ली मंथली, ठीक है। तो इसके अंदर अभी एक पार्ट आ रहा है जो बुक का ही है, वो रूल का रूल है इसके अंदर, तो वो रूल ये पढ़ के बता रहा हूँ। वेयर एन आउटलाइन कंसिस्ट्स ओनली अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एंड द फर्स्ट वोवल इज द थर्ड पोजीशन वोवल द आउटलाइन इज द रिटन ऑन द लाइन। ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्सोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके अंदर पहला वोवल ही हमारा थर्ड प्लेस का आ जाता है, तो वो कंडीशन में हमारा कैसा बनेगा, तो जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो थर्ड प्लेस का हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का रूल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हमारे वो के गे ये वाले एम वाले कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसा हमारा एग्जांपल आया की, तो की के अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हमारा लाइन से कट नहीं सकता, और थर्ड प्लेस की वोवल के साउंड आ रही है, के के बाद हल्की आई के साउंड आ रही है, तो थर्ड प्लेस का बुलाना है, तो के बन जाएगा हमारा, तो के का फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो के हमारा ऑन द लाइन बन जाएगा, के बाद आ गया आई के साउंड, तो लाइट डॉट से रिप्रेजेंट हो जाएगा थर्ड प्लेस का। किक, किक में दो साउंड दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो दोनों हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है, तो के कॉन्सोनेंट फिर के कॉन्सोनेंट, तो पहला प्लेस ये, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फिर सेकंड कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर सेकंड का फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। तो वोवल हमारा सेकंड कॉन्सोनेंट से पहले लगता है थर्ड प्लेस का वोवल, तो के बाद के बाद के से पहले, तो यहां पे बोल देगा आई का किक, ठीक है। एग्जांपल आता है इंक,
इनके एग्जांपल आ गया। तो इन का हमारा एन हमारा हॉरिजॉन्टल स्टॉप्स में आता है, तो एन कंसोनेंट ऑन द लाइन हमारा की लाइन से कटेगा नहीं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टॉप है तो एन हमारा ऑन द लाइन, फिर के, एन के बाद के से पहले आई की साउंड इंक, ठीक है इंक। और नेक्स्ट इसका बुलाता है एक और नेक्स्ट रूल है ड्रॉप द आई वोवल इन द टर्मिनेशन ऑफ इंक। इसके अंदर इंक जो आता है, इंक हमारा रिप्रेजेंट करता है, तो इंक के अंदर हमारा जो आई डॉट का वोवल के साउंड आ रही है तो उसको हम टर्मिनेशन मतलब वोमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसा हमारा एग्जांपल आता है मेकिंग, तो मेकिंग में हमारे एम कंसोनेंट है, एम के बाद ए की लंबी साउंड आ रही है तो लाइन पे बनेगा मेकिंग। ये जो है ये इंक की साउंड रिप्रेजेंट कर देगा, इसके अंदर वोवल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मेकिंग, सेकंड बेस का ए का वोवल मेकिंग, टेकिंग टेकिंग आया इसके अंदर, तो टी कंसोनेंट टी के बाद ए की लंबी साउंड आ रही है तो टे, फिर के ग, फर्स्ट बेस ये सेकंड है टे की ग, तो के बाद आई की साउंड आ रही है तो आई की साउंड को वोवल वोवल हम थर्ड प्लेस का नहीं लगाएंगे, वो इंग जो है वो आई की साउंड को इंक्लूड कर लेगा और ये अपने साउंड प्रेजेंट कर देगा, इंग इंग की साउंड प्रेजेंट कर देगा। लीविंग, तो एल कंसोनेंट में थर्ड प्लेस का वोवल की साउंड आ रही है लीविंग, ली एल कट जाएगा फिर वी फिर इंग, एल के बाद एल का फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये, तो L के बाद तो थर्ड प्लेस वाला नहीं लेगा तो V से पहले लेगा, लीविंग लीविंग। आस्किंग, आस्किंग में S कंसोनेंट हा वोवल की साउंड आ रही है A वोवल की, आ आ जो हमारा फर्स्ट प्लेस का वोवल है, आस्किंग आस्किंग। नेक्स्ट आता है मेलिंग, तो मेलिंग में हमारा एम कंसोनेंट में ए की साउंड मेलिंग, मेलिंग। ऐसे ही बहुत से वर्ड्स हैं शॉर्टहैंड पिटमेंट बुक में, तो उनमें से प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा शॉर्ट फॉर्म्स का, जिस तरह हमारा हर चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म्स हैं तो इसकी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स तो इसके अंदर पहली शॉर्ट फॉर्म आती है हमारी डिफरेंट, डिफरेंट और डिफरेंस। अब और को मिलन मत करना, ये और मैंने इसके मतलब दोनों की एक ही सेम आउटलाइन है, अब और को मत बनाना, डिफरेंट और डिफरेंस की आउटलाइन एक ही है जो हमारी डी कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट की जाती है, वो भी थर्ड प्लेस का बोले तो हमारे थर्ड प्लेस की शॉर्ट फॉर्म होगी, तो ये थ्रू द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है डी कॉन्स्टेंट से, डिफरेंट। नेक्स्ट आती है विश, विश हमारी इस कॉन्स्टेंट से थ्रू द लाइन, विश पुट, पुट हमारी पी कॉन्स्टेंट से थ्रू द लाइन, टू बी तो भी हमारी थ्रू द लाइन बी कॉन्सोनेंट से, ठीक है। नेक्स्ट आती है ओए, ओए हमारी डैश से अबव द लाइन, कैन, कैन हमारी अबव द लाइन सी के कॉन्सोनेंट से, कैन गो, गो हमारी अबव द लाइन गे कॉन्सोनेंट से, ये के कॉन्सोनेंट ये के कॉन्सोनेंट, ठीक है ये बी कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट आती है ओट, ये हमारी लाइट है, ओट ओ यू जी एच टी, ओट हमारी डार्क से, ये हमारा लाइट है, ओए जो है हमारा लाइट रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओट हमारा डार्क से अबव द लाइन, इससे डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लास्ट आती है शॉर्ट फॉर्म इन और एंड,
इन और एनी हमारी यही कंसोनेंट से रिप्रेजेंट की जाती है, वो है हमारा एन कंसोनेंट अबव द लाइन। अब आता है शॉर्ट फॉर्म डेरिवेशन। शॉर्ट फॉर्म डेरिवेट्स, शॉर्ट फॉर्म डेरिवेट्स में यह है तो हमारा जैसे शॉर्ट फॉर्म है उसके साथ हम इन कंसोनेंट इन का जो कंसोनेंट है वो ऐड कर देंगे तो वो हमारी इंक्लूड हो जाएगा। जैसे हमारा बी कंसोनेंट, बी हमारी क्या है शॉर्ट फॉर्म है, बी के साथ हम इन हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा बीन डू। जैसे हमारा डू के साथ हम इंग कॉन्सोनेंट इंक्लूड कर देंगे तो हमारा बनेगा डूइंग हैव। हैव के साथ हम इंग प्लस कर देंगे तो बन जाएगा हैविंग। गो के साथ हम इंग प्लस कर देंगे तो आता है गोइंग। तो यहां तक हमारा चैप्टर थर्ड चैप्टर फिफ्थ कंप्लीट होता है जो थर्ड प्लेस से इंक्लूड थर्ड प्लेस के वोवल के साउंड रिप्रेजेंट करता है। आज तक का हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है शॉर्टहैंड का। बेसिक के अंदर हमने 24 कंसोनेंट में 22 कंसोनेंट कंप्लीट कर लिए हैं एंड वोवल्स पार्ट के अंदर फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस तक के हम वोवल कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब लगभग हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया, मतलब दो कंसोनेंट्स हमारे रहते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरी वीडियो को पे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। धन्यवाद।